हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। अब टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं और अब मैं सबसे पहले जल्दी से डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं सफाई करके आती हूँ मेन गेट की। तो यहाँ आ गई थी मैं मेन गेट की सफाई करने, और आज मेन गेट की सफाई मैंने थोड़ा लेट की थी, मतलब की तो सबसे पहले थी, लेकिन मैं पहले किचन साफ़ करने लगी थी, कुछ बर्तन थे तो उनको साफ़ करने लगी थी। तो इस वजह से जब मैं बाहर आई तो देखा कि रोशनी हो गई थी, नहीं तो अंधेरा ही रहता है जब भी मैं मेन गेट की सफाई करती हूँ। और अब ठंड भी आ गई ना, तो सुबह सुबह पानी में काम करने का भी मन नहीं करता, और कहाँ तक गर्म पानी करें। तो इसलिए मैं पहले किचन साफ़ कर दिया था। फिर जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो आपको पता ही है, सबसे पहले मैं मेन गेट पे ही लगाती हूँ। देखो इस रूम का क्या हाल बना रखा है। ये शादी में गए थे रात को, तो पूरे कपड़े ये बिल्कुल नए कपड़े हैं और इस तरह से फेंके हुए हैं। अब मैं इन सबको पहले मैनेज करूँगी। ये देखो इधर भी शूज़, ये इधर शर्ट्स पैंट्स। तो अब मैं इनको पहले मैनेज करती हूँ, आज तो सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर करना तो पड़ेगा ये मुझे। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया था कपड़ों को, तय लगा कि इस तरह से रखना। और मैंने ये कपड़े ना अभी ये अलमीरा में नहीं रखे थे, यहाँ सोफे पे रख दिए थे, क्योंकि अभी 2-3 शादी में और जाना था इनको, तो फ़ायदा नहीं था कि मैं इसको फिर से अलमारी में लगाती, फिर से ये मेरे को इधर ही मिलने वाले थे। तो मैंने कहा कि जब तक तुम्हारी जितनी भी तुम्हें शादियों में जाना है तब तक वो कंप्लीट नहीं होती, तो मैं यहाँ सोफे पे रख देती हूँ। तो मैंने इनको अच्छे से पैक वैक करके और सोफे पे ही रख दिया था। और इस काम को करने में मुझे 15-20 मिनट लग गए थे, और मैं जल्दी जल्दी से काम कर रही थी क्योंकि मुझे डर था अगर प्रव्या उठ गई तो वो मुझे काम बिल्कुल भी नहीं करने देगी, और फिर तो मुझे जो मेरा काम 5 मिनट का है ना, वो मेरा आधे घंटे में ही होगा। तो इसलिए मेरे को जल्दी थी कि मैं उसके उठने से पहले सारा काम कर लूँ। तो इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ कि प्रव्या के उठने से पहले मैं सारा काम कर लूँ, और फिर मैं बाकी जो टाइम है प्रव्या को दे पाऊँ। ये देखो इतने सारे कपड़े खरीद लिए थे। शादी किसी के घर में होती है, खर्चा किसी के घर में हो जाता है, लेकिन मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया, मैंने सारे पैसे बचा लिए थे। और मुझे शौक़ भी नहीं है बिल्कुल भी, इस तरह से जैसी मैं हूँ अपने आप को वैसा ही दिखाना पसंद करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोगों को ये दिखाना। अच्छे कपड़े पहनने से आप रिच नहीं लगते, आपकी जो सोच है ना वो रिच होने चाहिए। और कहा जाता है ना कि जो जैसा होता है ना उसकी सोच और पर्सनैलिटी वो दिख जाती है। आप कितना भी परफ्यूम लगा लो, कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर आपकी सोच और नीयत छोटी है तो वो अलग से दिख ही जाती है। तो मैं तो इन्हीं बातों पे बिलीव करती हूँ, और इसलिए जैसी मैं हूँ वैसे ही हमेशा रहती हूँ। मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है, कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं कहीं जा रही हूँ तो शो ऑफ करूँ, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह पहन के जाऊँ। मैं जैसे सिंपल अपने घर में रहती हूँ बस वैसे ही चली जाती हूँ। और आपको तो पता है दुनिया का तो काम ही होता है, मुँह पर कोई नहीं बोलता, पीछे सबके बोलते हैं। जो ज्वेलरी पहन के आता है उसके बारे में विचार होती है, बात होती है, और जो नहीं पहन के आता उसके बारे में भी। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी और के लिए हमें खुद का रहन सहन, खुद की जो पर्सनैलिटी है, खुद के जो विचार है वो नहीं बदलने चाहिए। और आपकी पर्सनैलिटी में और आपके विचारों में इतना दम होना चाहिए कि लोग आपको देख के बदले, ना कि आप लोगों को देख के। तो यहाँ मेरी डस्टिंग हो गई थी पूरी, और ये प्रव्या भी कुछ बोलना चाह रही थी। और अब मैं आ गई थी छत पे, छत की सफाई करनी थी मुझे। तो यहाँ पे ये दरी वगैरह जो बिछी हुई थी, सबसे पहले मैंने इनको उठा के और इस पे दीवार पे ऐसे टांग दिया था, और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लगी थी। और प्रव्या भी बीच बीच में आके मुझे परेशान कर रही थी, और बस मैंने फिर यहाँ पे सफाई की, उसके बाद खाना वगैरह बनाया था। जो सफाई का काम होता है ना सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है, खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है मुझे। एक तो समझ नहीं आता है कि रोज़ रोज़ इतनी धूल मिट्टी, इतने कागज़ आते कहाँ से हैं। हाँ इस रूम का तो समझ आता है भाई, यहाँ बच्चे बैठते हैं तो कागज़ वगैरह फाड़ के चले जाते हैं, और लेकिन वैसे भी ना छत वगैरह पे जाओ तो बहुत धूल मिट्टी रहती है। एक तो ना आस पड़ोस में कंस्ट्रक्शन का वर्क ज़्यादा हो रहा है ना, तो इस वजह से भी बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने सफाई कर दी थी, पोछा वगैरह लगा दिया था, फिर मैं यहाँ पे रोटी बनाने लगी थी। Thank you.
खाना खा बना के और खा के फिर मैं नहा ली थी। और मैंने आज बाल भी धोए थे, तो मैं छत पे थोड़ा सा घूम रही थी, धूप हल्की हल्की थी, तो उसी हल्की हल्की धूप में मैं घूम रही थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर वाला जो रूम था, यहाँ पे प्रव्या और अक्षय लेटे हुए थे, तो इसकी चादर जो थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो मैंने मतलब प्रव्या खेल रही थी ना, तो उसने कुछ कागज़ वगैरह इस पर डाल दिए थे, तो मैंने चादर को फिर से झाड़ के और इसको ठीक कर दिया था। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना।